नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, पंजाब जेल बॉर्डर की पूरी डिटेल्ड विच एक वीडियो मैं थोड़ा पहला प्रोवाइड करवा चुका हाँ। जेल बॉर्डर की जॉब रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड में थोड़ा एक वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो तुम चैक कर लो। एंड अज की वीडियो में आप गल करेंगे आप मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन इस पोस्ट को किवें फिल कर सकते हैं। मोबाइल से फिल करने लिए सब तो पहले आप करना है कि तुम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, उसे तो इस वैबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उससे तुम क्लिक करोगे तो इस पेज उपर तुम पहुँच जाओगे। इस तो बाद अपन उपर थ्री डॉट इतने नज़र आ रहे हैं, सब तो उपर राइट कोर्नर में थ्री डॉट से आप क्लिक करेंगे तो इतने आप डैस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने तो बाद दोस्तों कंप्यूटर वर्गी स्क्रीन अपने मोबाइल में इस वैबसाइट की खुल जाएगी। हुण तुसी उपर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन इतने चैक कर सकते हो, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने तो बाद फर्स्ट ही नोटिफिकेशन जो अपन शो रहा है 10/5/2021 का, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने तो बाद इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। दोस्तों अगे तो फॉर्म को फिल करने तो पहला यह तुम ध्यान नाल पढ़ लेना है, इन्होंने की लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना 12वीं का सर्टिफिकेट की फोटो खिंच के अपलोड करनी है। एंड जो फोटो आप खिंची है जी अपलोड करनी है उसका साइज जोड़ा 100 KB तो उपर होना चाहिए है। तो सारा रीड करने तो बाद नीचे अपन न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। एंड इस तो बाद अपन स्विच टू डैस्कटॉप से आप क्लिक कर लेना है, तो करके इस तरह का फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा यह। एंड इस तो बाद नॉर्मल जी डिटेल अपनी फिल करनी, अपना फुल नेम फिल करना, फादर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रैस, डेट ऑफ बर्थ, यह कॉलम फिल करने तो बाद आप रजिस्टर पर टैप कर देंगे। इस तो बाद इस तरह का रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी, यह तुम्हें संभाल के रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तुम इस तो बाद करना कि आप प्रोसीड से आप क्लिक कर देंगे एंड नैक्सट फॉर्म है जो अपने सामने ओपन हो जाए। अगर नैक्सट स्टैप में कंप्लीट करने तो पहले अपन डैस्कटॉप साइट ऑन करनी पवेगी। इतने हुण नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन अपन मिल जाता है। इस फॉर्म में आप फिल की करना, सब तो पहले आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, जो मेल फीमेल है आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो पोस्ट का नाम अपने आप आ जाएगा। जिम्मे मेल से क्लिक करोगे तो इतने वार्डन की पोस्ट नाम लिखा आ जाएगा, जे तुसी फीमेल से क्लिक करोगे तो इतने मैटरन की पोस्ट का नाम इतने आ जाएगा। इस तो बाद मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो अपना डोमिसाइल पंजाब आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस अलावा कैटेगरी अपनी एस सी ओबीसी जो भी थोड़ी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लोगे। आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना है, इतने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस तो बाद जिम्मे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना, तो नीचे आप उस आधार कार्ड का नंबर होंगे इतने फिल कर देंगे। एंड इस तो बाद करना क्या, प्रोसीड टू गवर्नमेंट सर्विस डिटेल से क्लिक कर देंगे। एंड इस तो बाद अपने को कैंडीडेट एड्रैस की डिटेल अपन फिल करनी, अपना जो भी एड्रैस आप इतने फिल कर लेंगे। फिल करने तो बाद इतने आप क्लिक कर लेंगे, टिक मार लगा लेंगे, तो जो भी सेम एड्रैस होगा नीचे अपने आप कॉपी हो जाएगा। एंड हूँ करना की है, प्रोसीड टू नैक्सट क्वालिफिकेशन डिटेल से क्लिक कर देंगे। इस तो बाद तुहाडे मोबाइल से इस तरह का पेज सामने ओपन हो जाएगा। हूँ आप इतने क्वालिफिकेशन अपलाई करनी ने, जिहड़ी भी अपनी क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं की क्वालिफिकेशन आप इतने अपलोड करनी है, मतलब कि डिटेल्स अपलोड करनी है अपनी। तो सब तो पहला ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे। उस तो बाद इतने आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के अपन ऑप्शन आ जाएंगे, 10th 12th तो हायर एजुकेशन। बस सब तो पहले 10th पर क्लिक करेंगे, टिक मार लगा के 10th पे, या इन बॉक्स में अपनी 10th की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, मतलब 10th क्वालिफिकेशन नेम, 10th किस साल में की, जिड़ी भी साल में तुम की इतने फिल कर लोगे, किड़ी बोर्ड तो या किड़ी यूनिवर्सिटी तो की डिटेल आप इतने फिल कर लेंगे, किन्ने नंबर बने से इतने आप फिल कर लेंगे। इस तो बाद टोटल किन्ने मार्क्स विचों किन्ने नंबर थोड़े बने से उसका डिटेल लिखनी है। उस तो बाद अपनी परसेंटेज ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाएगी, किन्नी परसेंटेज बनती अपनी 10th में, उस तो बाद रेगुलर की है या प्राइवेट की है, इसकी आप अपनी 10th क्लास की पूरी डिटेल दस देंगे। एंड पूरी डिटेल फिल करने तो बाद अपनी 10वीं क्लास की तो सेव क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। सेम क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने तो बाद इस तरह का नीचे अपने को चार्ट बन जाएगा, जी भी आप डिटेल उपर इतने फिल की बॉक्स में वह नीचे चार्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। इस तो बाद करना की है, दोबारे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है, तो फिर आप सिलेक्ट पर क्लिक करना है, उस तो बाद 12th क्लास की अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उस तरह जिस तरह आप 10th की 10वीं क्लास की इन्फॉर्मेशन इन्होंने बॉक्स में लिखी थी उस तरह फिर इस तो बाद 12th की पूरी इन्फॉर्मेशन आप इतने फिल कर देंगे। कहने का भाव दोस्तों इतने 10वीं और 12वीं की अपनी पूरी डिटेल लिखनी है, जिथे चैक कर सकते हो। पहले मैं इतने 10वीं की डिटेल फिल करी थी,
ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਫ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ 100 KB ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 100 KB ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਈਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਾਫ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ 100 KB ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। PDF ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 MB ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2 MB ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਨਾ ਹੋਵੇ। PDF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਬ ਸਕੈਨਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਅਤੇ PDF ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਈਜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਦੱਸੋ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਪੂਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਬੁੱਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ।